सकती नहीं, मैं रह सकता नहीं यार और कितने तक जाने तेरे पास रंग तेरा चढ़ेगा कोई रंग नहीं हो चढ़ना। भी बनाना चाहते हो, इस तरह का वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो अपने मोबाइल फ़ोन से, जो कि ज़्यादा बहुत ज़्यादा इजी है, आप वीडियो को एंड तक वॉच कर लीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आ चुके हैं ना, क्लिक कर लिए होंगे वीडियो पे, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो भला हो जाएगा। तो चलिए आज का जो कल जो है ना बहुत ज़्यादा कीड़ा का, अरे कहना क्या चाहते हो, काट रहा है एडिटिंग का, वीडियो एडिटिंग का एकदम कीड़ा काट रहा है पूरा। तो अब सिखाएंगे आपको किस तरह से बनता है। तो चलिए आज का वीडियो एकदम ताज़ा है, फ्रेश, एकदम एंड तक वॉच कर लीजिएगा, इजी ले। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो फिर बनाने के लिए सिंपली एलाइट मोशन को कर लेना ओपन, ओपन होने के बाद प्लस पे टाइप कर लेना, उसके बाद यहाँ पे आपको सीधा 9:16 के कर लेना, नहीं तो यहाँ पे पेंसिल आइकन पर जाइएगा 1080p 2840 कर लीजिएगा। तो कर लेते हैं हम, इतना पे बनाएंगे, प्लस पे टैप करने फोटो ऐड कर लेना, तो हम फोटो ऐड कर लेते हैं, तो जानवे करते हैं, मीडिया में जाना है, फोटो ऐड कर लेना, तो जानवे करते हैं, ऐड कर लेते हैं, मतलब फोटो ऐड करते हैं, इसको ऐड करते हैं कोने साइड, इसको फुल कर लेते हैं, डॉट पे जाते हैं, फुल कंपोजिशन एरिया करते हैं, उसके बाद इसको फिर से ऐड इफेक्ट में जाना, मतलब ऐड प्लस पे टैप करना, उसके बाद फिर से जाना है मीडिया पे, उसके बाद आपको सॉन्ग ऐड कर लेना है। सॉन्ग ऐड होने के बाद स्टैक करेंगे, डॉट पे जाते हैं, स्टैक करते हैं, वीडियो को डिलीट करते हैं, वीडियो डिलीट करने के बाद एंड तक कर लेना पिक को, पिक को एंड कर तंग करने के बाद सीधा आपको लिरिक्स लिखना, तो लिरिक्स इस तरह से लिखेंगे, प्लस पे टाइप करने ए टेक्स्ट पे जाएंगे, आपको लिरिक्स लिख लेना, तो हम लिरिक्स लिख लेते हैं, ये वाला लिरिक्स है, इसको लिखते हैं, उसके बाद इसका कलर वाइट रखते हैं, इसको बीचों बीच सेंटर में ले आते हैं, उसके बाद इसका साइज है हल्का इंक्रीज करते हैं, 24 PT रखते हैं, उसके बाद इसका जो फॉन्ट है तो फॉन्ट ये वाला चूज करेंगे। तो इसका जो लिंक है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इजीली, बहुत ज़्यादा इजीली मिल जाएगा, इसको सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद इस वाले फॉन्ट को हम यहाँ पे रखते हैं, मतलब लेरिस को यहाँ पे रखते हैं, उसके बाद इस पर जाते हैं बॉर्डर एंड शैडो में जाते हैं, इस शैडो को इनेबल करते हैं, शैडो इनेबल करते हैं, सेम का लिरिक्स यहाँ तक है, इसको पीछे का पार्ट कट करते हैं, दो फिंगर से हल्का जूम कर लेना है, उसके बाद फिर से लिरिक्स पे टैप करना है, एड इफेक्ट पे जाना है, उसके बाद आपको जो इफेक्ट लगाना है, तो फ्रेंड्स फर्स्ट जो इफेक्ट होगा आपको यहाँ आ जाना है, टेक्स्ट में आ जाना है, टेक्स्ट स्पीकिंग, इसको सेलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पर कर लेना है, स्टार्टिंग में एक प्लस आइकन कर लेना, उसके बाद बीच में एक प्लस आइकन कर लेना और एंड में प्लस आइकन कर लेना, एंड में प्लस आइकन करने के बाद इसको 36 कर लीजिए, हम तो 36 कर लेते हैं, इसको -36 क्योंकि ये एकदम हो जाना चाहिए, सेंटर में आ जाना चाहिए, देखिए सेंटर में आ गया, उसके बाद सेंटर में नहीं आ रहा है ना, ज़्यादा आ रहा है, तो आपको इसको हल्का कम कर दीजिए, हल्का इतना पर रख लीजिए, हाँ 30 रख लेते हैं, मतलब 33 रख लेते हैं, उसके बाद स्टार्टिंग में आ जाना है, प्लस आइकन तीनों दे दिए होंगे, बीच में एक आगे और एक बीच में, तीन को प्लस आइकन पड़ेगा, उसके बाद देखिए इसको भी हम 30 -30 कर लेते हैं, 33 कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं, ये तो बीच में कलर 0 रख लीजिएगा, 0, उसके बाद इसमें कर्व देना, तो कुछ इस तरह से कर्व उठाएंगे इसे, इस कर्व को कॉपी करेंगे और उसके बाद सेकेंड कर्व जो है इसमें पेस्ट कर देंगे, इस वाले कर्व में इसको रोटेट कर देंगे, इसके बाद इसका इफेक्ट लग गया, उसके बाद सीधा फिर से एड इफेक्ट में जाना है, अवेलेबल होगा तो इसको सेलेक्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन वाप में जाइएगा, एकदम लास्ट में होगा अवेलेबल, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं अवेलेबल, तो स्टैंडर्ड सेटिंग पर कर लीजिएगा क्लिक, और उसके बाद फिर से इस पर हम आ जाना, इसको इनेबल करना है, उसके बाद इसका जो फेज पे आ जाना, फेज पे आ जाना का प्लस आइकन पहले स्टार्टिंग में और एन में प्लस आइकन, एन से हल्का हट के प्लस आइकन दे दीजिए, उसको आप 0.85 कर लीजिए, हम 0.85 कर लेते हैं, 85 कर लेते हैं, तो कर लेते हैं, उसके बाद इसको जो की है स्टार्ट एडम एन में कर लीजिए, उसके बाद एंगल पे आना, एंगल पे आ जाना होगा 90 डिग्री, इसको कर लेना, तो 90 डिग्री हम कर लेते हैं एंगल को, उसके बाद स्पेसिंग पे आ जाना, स्पेसिंग पे आ जाने के बाद सीधा आपको यहाँ पे इसको 34 कर लेना, तो 34 हम कर लेते हैं, 34 कर लेगा, मैग्नीट्यूड पे आ जाना, तो 4 होगा, तो 4 होगा तो इसको आपको 0.6 कर लेना, तो 0 कर लेते हैं, 10 हाँ 0.6 कर लेते हैं, उसके बाद वार्प एंगल पे आ जाना, तो वार्प एंगल पे आ जाना, इसको आपको होगा आपको 90 डिग्री, तो इसको 20 डिग्री कर लेना, तो 20 डिग्री हम कर लेते हैं, तो 20 डिग्री ये हो गया,
हाँ ये हो गया। अब उसके बाद इस पे आ जाना है मैग्नीट्यूड पे, मैग्नीट्यूड जैसा है उसके बाद जीरो होगा तो 100 कर लेना, तो 100 कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ से स्पेसिंग पे आ जाना फिर से नीचे, और उसके बाद इसको है आपको 94 कर लेना, तो जीरो होगा 94 कर लेना, 100 के पास आइए 94 हल्का कर लेते हैं। और एचआर पे आ जाना, एचआर 50 डिग्री रहने देना। उसके बाद स्क्रीनिंग ये जो इनेबल कर लेना है, स्किन स्पेस कलर इसको इनेबल कर लीजिए। उसके बाद फिर से आपको ये जो है आपको इफेक्ट इसका बन के रेडी हो जाएगा। फिर से आप ब्लर वाला लगाना चाहते हैं तो ब्लर वाला दे दीजिए, हम ब्लर वाला एड करते हैं। उसके बाद इसको ब्लर को गेसियन ब्लर सेलेक्ट करते हैं, स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करते हैं, उसको इनेबल करते हैं। स्टार्टिंग में प्लस आइकन देते हैं और हल्का दूर हट के प्लस आइकन देना है, और इसको हम जो प्लस आइकन सेकंड वाला दिए हैं इसको जीरो कर लेना है, और स्टार्टिंग में जो प्लस आइकन दिए थे इसको हल्का सा इंक्रीज कर लीजिए, इंक्रीज कर लीजिए इतना पे। उसके बाद फिर से एंड में आ जाना, एंड से दूर हट के प्लस आइकन और एंड में प्लस आइकन, एंड में प्लस आइकन इसको भी हल्का रख लीजिए, बढ़ा दीजिए तो कुछ बढ़ा दीजिए उतना पे बढ़ गया। उसके बाद फिर से एड इफेक्ट पे जाना है, और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है कंट्रास्ट एंड ब्राइटनेस और कंट्रास्ट, तो ब्राइटनेस और कंट्रास्ट हम सेलेक्ट कर लेते हैं, या आपको कलर में मिलेगा तो कलर वाला हम ओपन कर लेते हैं। ब्राइटनेस और कंट्रास्ट किधर है, तो हम सर्च कर लेते हैं, एंड कंट्रास्ट सर्च कर लीजिएगा। उसके बाद इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर लीजिए, इसको इनेबल कर लीजिए, और उसके बाद स्टार्टिंग में आ जाना है प्लस आइकन और हल्का जहाँ पे ब्लर वाला दिए थे वहाँ पे एक प्लस आइकन, और इसको जो जीरो होगा इंक्रीज कर लेना, तो इंक्रीज कर लीजिएगा 100%, ये कलर हल्का सा हो जाएगा। फिर से स्टार्टिंग में आ जाना है, एंड में आ जाना है, एंड में प्लस आइकन, एंड से दूर हट कर प्लस आइकन, और उसके बाद इसको जो है हल्का सा बढ़ा दीजिए। बढ़ा देने के बाद कुछ इस तरह से आपका स्पेसिंग आप लग जाएगा, देखिए कुछ एकदम ताज़ा है। तो ये हो गया इसे हो गया, तो उसके बाद इसको सेकंड लिखने के सीधा कॉपी कर लीजिए, और सेकंड लिरिक्स आपका जहाँ से है इसको पेस्ट कर दीजिए, तो पेस्ट कर दीजिए। देखिए आपको दिखने रहा होगा, तो आपको दिखाते हैं जूम करके, कुछ वीडियो ऐसा रहेगा। तो बहुत ज़्यादा यूनिक है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, तो इसी का ट्यूटोरियल इसी वजह से हम दे रहा हूँ, नहीं तो अदरवाइज छोड़ देता। तो चलिए इसका जो सिंपली इसको कॉपी कर लेते हैं, फिर से थर्ड लिरिक्स लिखने के लिए कर लीजिए, और थर्ड लिरिक्स जो भी है आपका जो है लिख लीजिएगा, जो भी आपका लिरिक्स है दो लाइन में लिखिएगा, ट्रिपल लाइन नहीं होना चाहिए, तो दो लाइन में लिखिएगा। उसके बाद सीधा आपको एंड तक लिख लेना है, तो सीधा वीडियो को हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं, तो एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो फिर आज का जो एक इफेक्ट और लगा लेते हैं, पहले फिलहाल के लिए फ्रिक्वेंसी वाला लगाए थे हम, जिसको इमेज पे इस पर टैप करते हैं, इफेक्ट पे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डुकेशन वेब में जाना है, उसके बाद यहाँ पे फ्रिक्वेंसी होगा, फ्रिक्वेंसी वेब, तो इसको सेलेक्ट कीजिए, स्टेट हार्ड वेब पर जाइए, इसके बाद देखिए कुछ ऐसा आपको लगा देगा, इफेक्ट लगा देगा ऑलरेडी। तो इसके बाद इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, आज का वीडियो में जाने के लिए मिला, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक था, चलिए मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।